टर्म है फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का बात तो थोड़ा सोच के बोलिएगा, यहां पे हम लोग डी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट बाई डीटी का बात कर रहे हैं या फिर डी कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट बाई डीटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट के केस में वो क्या हुआ करता था, नेगेटिव लगता था। ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि रिएक्टेंट का कंजम्पशन हो रहा है, और प्रोडक्ट के लिए हम लोग कौन से साइन को यूज करते थे, पॉजिटिव, और ये क्या दिखाता था कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है, सबसे पहला कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा सिंपल कंसेंट्रेशन, तीसरा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म आप यूज कर सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर। नेक्स्ट पार्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं नेचर ऑफ, नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड। ये मेन मेन फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है किस चीज को, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। थोड़ा सा सोच के बस एक दो चीज डिस्कस करना है आपके साथ, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। अगर कंसेंट्रेशन है, आपके सामने रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, बस उसी के बेसिस पे आपको बताना है। अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, एकदम ठीक। क्योंकि रेट जो होता है ना, इट इज इक्वल्स टू ये टर्म। तो जब हम इस टाइम को कांस्टेंट रख दें तो ऑब्वियस सी बात है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि इस आर का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब कभी भी इस कंसेंट्रेशन को थोड़ा पार्ट बाई पार्ट हम लोग डील करेंगे, पहला चीज कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज करता है तो वैसे केस में रेट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा चीज अगर कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता है तो रेट भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज है, जब कभी भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो आपको इसका स्टेटमेंट बना के लिख देना है, बाकी याद करने के लिए आप ऐसे ही याद रखें, ठीक है। कैटलिस्ट डिस्कशन किए भी थे इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। सोच के देखिए, अगर मेरे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, रेट क्या होगा, रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा अगर मेरे पास नेगेटिव कैटलिस्ट है, जिसको एक और नाम से जानते थे, नाम बोलिए, पॉइजन, और कुछ, इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर। तो अगर भाई देवे नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉइजन या इनहिबिटर यूज होगा, रेट के साथ क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए ठीक, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में, चलिए टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन, एक मिनट देखिए, अभी मेरे पास ये एक रिएक्टेंट, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है पूरा का पूरा चौक। बाय द वे रिएक्शन के बाद हम ये डिसाइड किए कि ये एक्सो है कि एंडो है, मगर स्टार्टिंग में जब तक इसका ओल्ड बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं। तो फिर एक एक्सटेंट तक, एक एक्सटेंट तक टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक एक्सटेंट तक, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अब देखिए, हम तो बोले एक एक्सटेंट तक, मगर वो कहां जाके रुकेगा इसके बारे में कोई सियोरिटी नहीं है, तो क्या करें उस टाइम में। सुनिए, इसके लिए क्या बोला जाता है, इसके लिए बोलते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, ठीक है। अब इफेक्टिव कोलिजन कैसे इंक्रीज करेगा, तो आपको भी पता है जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो पार्टिकल होता है उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है। अब इफेक्टिव कोलिजन के बारे में आपको एक चीज समझा रहे हैं, यही चीज आगे चल के मॉलिक्यूलरिटी को भी डिफाइन करेगा, जो इसके बाद हम लोग को टर्म अभी पढ़ना है। आपको इफेक्टिव चीज बताते हैं, इफेक्टिव कोलिजन का मीनिंग क्या होता है। देखिए,
ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, दो पार्टिकल दिख रहा है, दो पार्टिकल। देखिए क्या हुआ कि ये ऐसे आके टक्कर मारा, ऐसे टक्कर मारा, ठीक है, तो इसको इफेक्टिव नहीं बोलेंगे। यानी कि एक एंगल पे अगर हिट कर रहा है इसको इफेक्टिव नहीं बोलेंगे। हेड टू हेड अगर कोलिजन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। हेड टू हेड हो रहा है तभी जाके क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। अब इफेक्टिव कोलिजन से क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा सा एग्जांपल एक सोचिएगा जो जनरल लाइफ में होता है। मान लीजिए कार चला रहे हैं, ठीक है, साइड से आके कोई हल्का सा ठोक दिया, टक्कर लग गया, ठीक है, तो क्या आप नया कार खरीद लेंगे या उसी कार को रिपेयर करवाएंगे? रिपेयर करवाएंगे, जनरल चीज, ठीक है। मॉलिक्यूल भी वैसे ही सोचता है, देखेंगे कैसे सोचता है। कौन नया, दुबई का आदमी लोग यहाँ इंडिया में कम थोड़ी है, जिसको थोड़ा सा अगर कार में डेंट पड़ जाए तो नया कार ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, जनरल ट्रेंड में चलेंगे। बाय द वे आप कार लेके चल रहे थे और वो काफी तेजी से किसी के साथ हेड टू हेड कोलाइड कर गया, एकदम चकनाचूर, समझ रहे हैं, ठीक है, हेड टू हेड कोलाइड किया। अब आप उसको बनवाइएगा कि नया खरीदिएगा? हाँ हाँ वही बात, उसको बेच देंगे सर, फिर उसके बाद तो नए दिखा देंगे, ठीक है। मेन हम क्या बताना चाह रहे थे, अगर इफेक्टिव कोलिजन होता है तो जो भी एटम्स के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, वो ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद ये सेपरेट हो गया। जब इफेक्टिव होगा तभी बॉन्ड ब्रेक करेगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करने के बाद ये सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद सोचिए अगर ये इसके साथ कंफर्टेबल है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ कंफर्टेबल है बॉन्ड बनाएगा, सोच के देखिए, आपके पास एक एबी मिला, ठीक है, एबी मिला, ये भी हो सकता है ये दोनों कंफर्टेबल है तो यहां से बना के देगा ए टू, ये दोनों कंफर्टेबल है तो बना के देगा कौन, बी टू। यानी कि जब तक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तब तक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो नहीं सकता है, और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन, जिसका मीनिंग आप समझे, अगर उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाए तो उसको इफेक्टिव नहीं कहते, मगर इतना ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए, एटम जो है वो फ्रीली मूव करने लगे, वैसे केस में उसको इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। आप किसी कंटेनर के अंदर अगर गैसियस पार्टिकल्स रखते हैं तो गैसियस पार्टिकल्स मूव कर रहा है, कभी ना कभी तो एक दूसरे के साथ टकराएगा ही। अगर उसमें किसी एक सर्टेन एंगल पे, अदर देन हेड टू हेड, अगर किसी सर्टेन एंगल पे टक्कर मारा, वैसे केस में इफेक्टिव नहीं होगा, टकराएगा और दोनों क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। मगर बाय द वे अगर इफेक्टिव हो गया तो वैसे केस में उसके बीच का मॉलिक्यूल में एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और सारा एटम फ्रीली मूव करेगा, और जब वो फ्री मूवमेंट कर रहा है उस समय वो दूसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, दूसरे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी कि जब इफेक्टिव कोलिजन होता है केवल तभी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का चांस बनता है, ठीक है, इसलिए ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इफेक्टिव कोलिजन। अब मान लीजिए जैसे धीरे धीरे चल रहा है तो टक्कर ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत तेज चल रहा है, कब तेज चला, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दिए उस समय तेज चला, जैसे टेम्परेचर बढ़ाए उसका मूवमेंट, उसका वेलोसिटी काफी बढ़ गया, अब जाके जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाया गया एक एक्सटेंट तक जिससे कि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया, इस कारण से रेट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, ये सब का सब क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही बात बोल सकते हैं, लेस के लिए कुछ नहीं, लेस के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, देखिए एनओ को अगर आप ओ टू देते हैं ये एनओ टू बनाएगा, अगर आप सीओ को ओ टू देते हैं ये सीओ टू बनाएगा, देखने में दोनों एक जैसा लग रहा है, देखने में दोनों एक जैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आपके सामने बस इतना ही सवाल है, आपके हिसाब से इन दोनों में से ज्यादा तेजी से कौन होगा? सेकेंड वाला ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा और फर्स्ट वाले का रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, क्यों?
कौन आयनिक है? रुके रुके ना, आयनिक तोड़ देते हैं, आप जैसे बोल रहे हैं तोड़ देते हैं, टूटेगा नहीं। तब कोवेलेंट और आयनिक का तो बात ही नहीं है, दोनों का दोनों कोवेलेंट है, उसमें तो डिस्कशन ही नहीं है। आप फिर से सेकंड वाला एक्सो है। अच्छा तो फर्स्ट वाला क्या एंडो है? मतलब कुछ तो दोनों के बारे में बोलना होगा ना आंसर, एक के बारे में नहीं। सोचने के लिए दिए क्योंकि दोनों रिएक्शन आप पढ़े हुए। देखिए हर चीज याद रखना जरूरी नहीं है, आप उसका नेचर देखिएगा आपको पता चलेगा, इसलिए सोचिए सोचिए। चलिए ठीक, खत्म किया जाए। थोड़ा सुनिए, ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, ठीक है? ऊपर वाला फास्ट होगा और नीचे वाला स्लो होगा। अब इसके पीछे रीजन देखते चलिएगा। N और O के बीच में, N और O के बीच में एक बॉन्ड तो बन गया, जैसे दो इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है? एक और बॉन्ड बनेगा तीन इलेक्ट्रॉन का, एक और बॉन्ड तीन इलेक्ट्रॉन का। कहां पढ़े? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग, या तो आप इसको थ्री इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग बॉन्ड कह सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है। देखिए क्या होता है कि दो बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन फुलफिल्ड, ठीक है? ऑक्सीजन फुलफिल्ड, उसके बाद क्या हुआ? तो आपको भी पता है कि नाइट्रोजन के पास बाहर में अभी भी तीन इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास बाहर में अभी भी चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? किसको चाहिए इलेक्ट्रॉन? एन को चाहिए। कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन, एक। तो ऑक्सीजन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आया, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाला, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग बॉन्ड एग्जिस्ट इन केस ऑफ NO, चाहे इस सीक्वेंस में लें तीन इलेक्ट्रॉन का या इस फॉर्मेट में लें एक इलेक्ट्रॉन का, रहेगा तो ऑड, ठीक है? उस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा CO के बारे में बता दें, कार्बन मोनोऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O हो गया। अब इसके बाहर में बचा कितना? दो इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सोचिए किसको जरूरत है और कितना जरूरत है? कार्बन को दो, यानी ये ऑक्सीजन की तरफ से ऐसे आया, ठीक? अब सोच के इस वाले बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड में, ऊपर वाले में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? नाम सुनिएगा, इवन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? स्टेबल होता है ये, इवन स्टेबल होता है, ठीक है? इवन स्टेबल होता है, ऑड तो लिमिटेशन है ना, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन होता है ऑड, ठीक है? तो आपको पता चला कौन इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल? CO। अगर ये ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जन स्लो होगा। अगर ये कम स्टेबल है, कम स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्टेबल होने के लिए कुछ भी करेगा। अगर ये कम स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो कम रिएक्टिव है। ये केवल किसके कारण हो रहा है? उसके बीच के बॉन्ड के कारण हो रहा है। जो बॉन्ड का नेचर है, जो कंपाउंड का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, किसको किसको लेके, NO और CO को लेके। आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि NO कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस ये थोड़ा बड़ा लिखिएगा, हेंस रिएक्शन टेक प्लेस इजीली, ठीक है? ये आराम से हो जाएगा, और दूसरे वाले में दिक्कत होगा इस कारण से ये स्लो है, और पहले वाले में आराम से होगा इस कारण से ये फास्ट है। तो जो भी आप रिएक्टेंट यूज करते हैं, अगर उसके बॉन्ड के नेचर का थोड़ा सा भी डिफरेंस आया तो पूरे के पूरे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। हम आपके सामने ये जो फास्ट और स्लो बोले, ये एक्चुअल में हम आपको क्या बता रहे थे? रेट बता रहे या कुछ और बता रहे? ये रेट ही बता रहे ना। तो जैसा मेरे पास नेचर था बॉन्ड का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसा मेरे पास
रिएक्टेंट का नेचर है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। क्या क्लियर है ये चार चीज? ठीक है सबको? चलिए ठीक, इसी का और एक्सटेंडेड पार्ट जो उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है मगर फिर भी सरफेस, ठीक है सरफेस सोचिए तो सरफेस का क्या इफेक्ट हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? डायरेक्टली डिपेंड करेगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, एकदम सही। ठीक है आप ये कह सकते हैं कि सरफेस अगर इंक्रीज करेगा तो वैसे केस में रेट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जो फाइनली डिवाइडेड यानी पाउडर्ड फॉर्म में जो रिएक्टेंट्स होता है वो जल्दी आसानी से रिएक्ट करता है, किसके कंपैरिजन में? अगर कोई छोटा सा ब्लॉक है ठीक है उसके कंपैरिजन। तो जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाइएगा उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। चलिए एक और पार्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइट बोलिए तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? किसका? एक रिएक्शन ही होता है उसका नाम ही है फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? उसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है आप बहुत टेक्निकल वर्ड यूज करें। एक आदमी ये बोल रहा है कि वो लाइट में रिएक्शन होगा उसको फोटोकेमिकल बोलेंगे, सही कि गलत? ठीक है तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होगा, तो वैसे केस में आपको लाइट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे आप पढ़े भी हैं, अगर हम यहां पे CH4 को Cl2 से रिएक्शन कराएं, इस बार क्या है ना डार्क में कराएं और CH4 को Cl2 से रिएक्शन कराएं, इस बार सनलाइट में कराएं, आप बोलिएगा सर यहां पे एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, मगर यहां जब तक कुछ आप नहीं डालिएगा कैटलिस्ट तब तक रिएक्शन नहीं होगा, सही बोले? तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है जो यहां से CH3Cl बना रहा है ये जो रिएक्शन है ठीक है ये कैसा है? फोटोकेमिकल। तो यहां पे हम बोलेंगे ये एग्जिस्ट करेगा और ऊपर वाले में एग्जिस्ट नहीं करेगा। या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट डालें ये रिएक्शन फास्ट हो गया, जल्दी हो रहा है, और ये रिएक्शन थोड़ा स्लो प्रोसेस में हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो लाइट के प्रेजेंस के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है तो मेनली ये चार होता है, उसके साथ एडिशनल दो और फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ा जाए। कुछ डाउट भी है, कुछ पूछना भी है तो पूछ ले। न्यूमेरिकल सेक्शन पे चलते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, छोटा सा चीज है मगर मीनिंग पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलैरिटी ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन देखिए ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है सबसे पहला चीज, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर आप कह सकते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली टू प्रोवाइड प्रोडक्ट ठीक है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। देखिए अब ये क्या कहना चाहता है, कैसे कहना चाहता है, क्या होता है थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए हाइपोथेटिकली ए के साथ बी को रिएक्ट कराए ना तो ये सी और डी दे दिया। मान लीजिए यही बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, यही रेट डिटरमाइनिंग है, यही बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर हम यहां पे डिस्क्राइब करना चाहें इसको तो मेरा कहना क्या होगा कि एक ए जब एक बी के साथ कोलाइड करेगा, जब एक ए बी के साथ कोलाइड करेगा, वीडियो क्या हो रहा है? रुक जा रहा है। एक मिनट तब नहीं इधर से, खैर थोड़ा सा मतलब मेरा नेटवर्क दिखा रहा है, खैर ठीक हो सकता है बीच में कुछ हुआ होगा। अच्छा ठीक है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ज्यादा बड़ा इशू नहीं ना है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। क्या हो गया? अच्छा अभी आ गया ना, बस उसी से मतलब था। दिख रहा है क्या बोले? एक यूनिट ए एक यूनिट बी के साथ, इसको देख के क्या पता चला? एक यूनिट ए एक यूनिट बी के साथ कोलाइड किया, जिसके कारण सी और डी बना।
ठीक है। तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है ए और बी का, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ एक साथ कितना पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, अगर आपसे पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड टुगेदर, क्या बोलिएगा? तो आपका आंसर होगा ना दो, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू टू। तो आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलैरिटी है, दैट विल बी इक्वल्स टू टू। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के होने पे, हो रहा है होने पे, उसका जो रिएक्टेंट्स एक साथ कोलाइड करेगा, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्टेंट्स का कोलाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी एक रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी मतलब रिएक्टेंट जितना यूनिट एक साथ कोलाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। जनरल तौर पे क्या होता है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन आप ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा, जो मॉलिक्यूलैरिटी मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए मान लीजिए जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मान लीजिए एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका कोई ऑर्डर बताएगा हमको? टू। अगर कभी एलिमेंट्री रिएक्शन होता है तो जितना उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम होता है उसी को ना ऑर्डर बोलते हैं, यहां वन जुड़ के कितना, टू। तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, टू, और देखिए इसका मॉलिक्यूलैरिटी भी कितना है, टू। तो जब कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगा वैसे केस में मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, मगर ध्यान रखिएगा दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी होता है। इक्वल तो होता है मगर दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी होता है। क्या डिफरेंस है, कैसे है, थोड़ा समझाते हैं। देखिए पहला चीज आप ध्यान रखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी या मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन, हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब इसी में डिफरेंस क्या, बट मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में थोड़ा सोच के बोलेगा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। क्यों? तो सिर्फ पॉजिटिव होगा। हाँ, मतलब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड नेगेटिव है सर। हाँ, जब पार्टिकल्स कोलाइड कर रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी नेगेटिव कैसे हो सकता है? ठीक है, पहला चीज। दूसरा एक और बात, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल का भी फ्रैक्शन हो सकता है? फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आधा यूनिट ए जाके और पौने यूनिट बी के साथ टकराएगा, नहीं हो सकता है। कम से कम जाना होगा तो एक यूनिट को जाना होगा। तो बट मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना नेगेटिव चलेगा ना फ्रैक्शन चलेगा। ठीक है, यहां पे आके दोनों में डिफरेंस हो गया। एक और लिमिटेशन मॉलिक्यूलैरिटी नेवर मोर देन थ्री। ठीक है, ये तीन से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कहना क्या चाहता है ये वो समझिएगा। बोला क्या गया ना, एक टारगेट है, मान लीजिए एक टारगेट है, और इस टारगेट पे चार तरफ से चार आदमी इस पे पत्थर मार रहा है, चारों का पत्थर एक साथ आके यहां हिट करे, उसका सोचिए तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? बहुत कम कहने का मतलब नेग्लिजिबल, लगभग ना के बराबर। ठीक है, मगर मान लीजिए एक टारगेट है और दो आदमी एक इधर से एक उधर से मार रहा, हो सकता है, होता है। ठीक है, तीन तक हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ एक टारगेट पे 3% ऐसा है जो सेम टाइम में सेम प्लेस पे हिट कर रहा है, ये हो सकता है, ये कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से मॉलिक्यूलैरिटी कहां तक कंसिडर्ड है, थ्री। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी कहां तक कंसिडर्ड है, थ्री। थ्री से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी कंसिडर्ड नहीं है, यानी मॉलिक्यूलैरिटी आप तीन से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, समझे वो बात जो बोला गया अभी। अब देखिए एक छोटा सा चीज आपके सामने हम रखना चाहते हैं ताकि थोड़ा कंपेयर करके दिखा दें, ध्यान से। ठीक है, एग्जांपल के लिए कॉम्प्लेक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक ना,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म आपको लिखने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि वो देगा और उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से। एक रिएक्शन है NO2 plus CO gives CO2 plus NO, ऐसा सब का सब गैस है। अब ये क्वेश्चन में बता दिया कि इसका पहला स्टेप जो है वो NO2, जब NO2 के साथ मिला तो ये बनाया NO और NO3। दूसरा था कि जब NO3 CO के साथ मिला ये बनाया CO2 और NO2, ऐसा ठीक है। अब उसके बाद जब नेट रिएक्शन निकालेंगे तो इतना आएगा, ये दो स्टेप में हो रहा। अच्छा क्वेश्चन ये बताया कि फर्स्ट वाला स्लो था और सेकंड वाला फास्ट था। हर चीज क्वेश्चन आपको देगा, आपसे कभी भी है ना मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फिजिकल में नहीं पूछा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो केवल ऑर्गेनिक में आता है, फिजिकल में कभी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया, बताया कि देखो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये वाला और वो दो स्टेप में हो रहा है, ठीक है, इतना चीज क्वेश्चन बता दिया। अब क्वेश्चन का डिमांड सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। दो चीज, रेट लॉ का एक्सप्रेशन भी चाहिए इसको, ठीक है, और उसके साथ में मॉलिक्यूलैरिटी भी चाहिए इसको। ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है मगर सोचना। वैसे देखिए काम कैसे करेंगे, कोई कुछ हिंट करेगा क्या? एक सवाल, फर्स्ट वाला रिएक्शन सेकंड वाला रिएक्शन दोनों में से कोई एक स्टेप मेरे काम का है, किसको इग्नोर करें? इग्नोर किसको करें? सेकंड वाले को इग्नोर करें, यानी सेकंड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं। ये क्वेश्चन दिया था, हम सुन लिए, देख लिए, छोड़ दिए, ठीक है। मेन काम का चीज मेरा फर्स्ट वाला रिएक्शन है, यही जो देना होगा यही देगा, ठीक है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और यही से सारा का सारा कैलकुलेशन और कंसिडरेशन भी होगा। तो देखिए दो लाइन लिखना है, पहला है रेट प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा जाए बोलिए, कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 2, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इस स्टेप रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट मेरा दो यूनिट यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कंसेंट्रेशन पे पावर 2 होगा। हो गया मेरा पहला क्वेश्चन, रेट एक्सप्रेशन मिल गया हमको। दूसरा क्वेश्चन मॉलिक्यूलैरिटी, बोलिए कितना? टू, क्योंकि एक यूनिट ये दोनों आपस में ही टक्कर मार रहा है, कितना यूनिट टकराया? दो, ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। बस आपको ये चीज समझना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में डिस्क्राइब करके देगा सबसे पहले हटाइए, ये किसी काम का नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा इसके बेसिस पे। बाद में आपसे जो पूछा आप जो सीखे वो सब का सब स्लो स्टेप में से लीजिए और जैसे आपको बताया गया आप आंसर वैसे ही करें, फाइनली आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम दो ही स्टेप वाला लिए, अभी तीन चार स्टेप का भी हो सकता है। अगर मान ले रहे तीन चार स्टेप में दो स्लो दे दिया और एक को बोला स्लोएस्ट, मान लीजिए चार स्टेप का रिएक्शन है, समझिएगा, ठीक ना, समझने वाला चीज है, चार स्टेप का रिएक्शन है, दो ठो फास्ट है और दो ठो स्लो है और बोला कि जो लास्ट स्टेप है इज द स्लोएस्ट स्टेप, अब बताइए दो यूज करे, चार यूज करे कि एक यूज करे? एक यूज होगा, स्लोएस्ट। कौन वाला? स्लो मतलब ये दोनों? यस सर, उसका भी पहला स्लोवेस्ट, एक ही स्टेप, जिसको बोला स्लोवेस्ट वही स्लो होता है, उससे ऊपर कुछ भी रहा वो सब फास्ट होता है, ठीक है। स्लोवेस्ट स्टेप सबसे धीमा, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपके पास कितने में भी स्लो लिख दिया, अगर एक को बोला कि वो स्लोएस्ट है तो पूरा कैलकुलेशन केवल उसी एक स्टेप पे होगा। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन का बात होगा, रेट लॉ का बात होगा, मॉलिक्यूलैरिटी का बात होगा, सिंगल स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप होता है केवल कैलकुलेशन वहीं से करेंगे हम, ठीक है।
आप इसको थोड़ा नोट करें, कुछ डाउट है तो बात कीजिए, नहीं तो फिर और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं एक दो पे। देखिए अभी जैसा बोले एक क्वेश्चन और, देखिए क्वेश्चन ऐसा है थ्योरेटिकली है, कंसीडर द रिएक्शन 4 टाइम HBr प्लस O2 गिव्स 2 मोल H2O प्लस 2 मोल Br2 ऐसा, ठीक है। आगे ये बोला गया टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स HBr प्लस O2 O2 इज HOOBr। सेकेंड स्टेप बताया गया HOOBr प्लस HBr ये देगा 2HOBr। फिर उसके बाद सी नंबर थर्ड स्टेप है HOBr प्लस HBr गिव्स H2O और इसके साथ Br2, ठीक है। ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है बैलेंसिंग के लिए, जहां जो मल्टीप्लाई करना होगा कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें ना, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, देखिए 4 HBr हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो बैलेंसिंग वाला मेन काम नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 स्टेप, अब इसमें बताया फर्स्ट वाला स्लो, उसके बाद फास्ट, उसके बाद फास्ट, ठीक है। 3 स्टेप क्वेश्चन में डिमांड बस इतना ही है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलैरिटी और चौथा क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख लीजिए आपके सामने सारा चीज लिखा हुआ है, आप उनको बताते चलिए, हम आंसर लिखते चले। बोलिए रेट एक्सप्रेशन वही हो जाएगा सर, सबसे पहले आर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, के इनटू आगे HBr के पावर कंसंट्रेशन ऑफ HBr पावर 1 बस इतना yes, इतना ही ना yes. गलत है yes, इसीलिए इसका नाम उठाया ना, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़े हैं मगर अभी थोड़ा कंपेयर तो करना पड़ेगा। देखिए इसका नाम इसीलिए तो उठाया, किसका नाम उठाया, लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन बोलेगा तो क्या लेना देना है कि कितने स्टेप में हो रहा नहीं हो रहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं। वैसे केस में जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उसके पावर में जाएगा, क्या आप समझे इसका डिफरेंस, ठीक है। अब आते हैं रेट लॉ, अब नाम आया सामने जिसको सोच के आप ऊपर आंसर दिए थे वो यहाँ आया, रेट दैट इज इक्वल टू के टाइम। अब बोलिए तीनों में से एबीसी में कौन यूज करे, हर बार ए यूज होगा, बी का कोई काम नहीं, सी का कोई काम नहीं, तो अब HBr का पावर 1 और O2 का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ HBr और O2 और दोनों का पावर 1 रहेगा। मॉलिक्यूलैरिटी बोलिए रिएक्शन का, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी पूछ रहा है, कभी भी स्टेप का नहीं पूछता है, पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी पूछता है। बोलिए 3 से ज्यादा कहाँ होगा, कितना 2, कौन से स्टेप पे होता है, पहला वाला स्टेप। एकदम चलिए आइए यहाँ पे, अगर बाय द वे ये होता तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही लेते हैं, ऐसे नहीं लेते, ठीक है। मगर इससे तो हमको कुछ लेना ही नहीं है, जो काम करना है यहाँ करना है। तो यहाँ पे देखिए एक और रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट कोलाइड कर रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। अब एक बार फिर से थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्टेप ए इज 2, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्टेप बी इज 2, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्टेप सी इज 4, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद
अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस होल रिएक्शन पूछा जाए तो वो मॉलिक्यूलरिटी भी कितना होगा, 2 होगा। हर चीज के बारे में आपको मॉलिक्यूलरिटी बता दिया गया, कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है? कुछ होगा जरूर बात कीजिएगा। ऑर्डर, रेट लॉ में, रेट एक्सप्रेशन में जो कंसेंट्रेशंस का पावर होता है उसको ऐड करके ऑर्डर निकालते हैं, वो हो गया 2। तो अगर कभी आपके क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे दिया हुआ रहे तो आप हर चीज फाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आप तैयार, ठीक है? मतलब क्या हो रहा है, ये जब बन रहा है तो कोलाइड करने वाला कितना वैरायटी, 2। कोलाइड करने वाला वैरायटी 2, मगर जितनी बार हो रहा है ये पेयर वाइज कोलाइड कर रहा है। पेयर वाइज कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जैसे ये एक हाथ कहीं जाकर रिएक्शन कर रहा है और उस समय इस हाथ को कोई मतलब नहीं, मगर दूसरी बार में ये दोनों हाथ एक साथ पैरेलल जा रहा है और रिएक्शन कर रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा दोनों के कारण बनेगा, ठीक है? तो कंसेंट्रेशन केवल 2 times मिलेगा, कंसेंट्रेशन 2 times मिलेगा, मगर कितना वैरायटी है जो एक साथ कोलाइड कर रहा है, 2, ठीक है? तो ये डिफरेंस हुआ, समझे उदय? सर पूरे रिएक्शन में फिर जो 4HBr है उसमें मॉलिक्यूलरिटी कैसे? तो पूरे रिएक्शन का ही तो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी पूरे रिएक्शन का 2 है। रीजन ये है, ये बोला जाता है कि अगर कभी आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी आपको 5 मिलेगा, मगर 5 पार्टिकल एक साथ जाके एक ही प्लेस पे कोलाइड करे इसका चांस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में जो इसका स्लोएस्ट स्टेप है उसी से कैलकुलेशन होगा। तो अगर कोई देखने जाएगा कि पूरे रिएक्शन में कितना पार्टिकल एक साथ कोलाइड कर रहा है तो स्लोएस्ट स्टेप से देखेगा कि फास्टेस्ट स्टेप से देखेगा, स्लोएस्ट। तो स्लोएस्ट में देखा कि 2 पार्टिकल एक साथ कोलाइड कर रहा है, तो वो क्या बोला ना कि ऑब्जर्वेशन तो यहां से आ रहा है, इसका मतलब है पूरे रिएक्शन में 2 ही पार्टिकल एक साथ कोलाइड कर रहा है। फाइनली पूरे रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी बता दिया गया कि 2 होगा, समझे अंशु? ठीक है, और किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन बिल्कुल पूछिए, डिस्कस किया जाएगा। चलिए इसका ये वाला एक चीज जो पूछे थे ना उधर, बस ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए, हाँ उसका रिएक्शन से खैर कोई लेना देना नहीं है, क्या बता रहे हैं सुन लीजिएगा। मान लीजिए जैसे इस डायरेक्शन में 2 कार एक साथ टकरा गया, इस डायरेक्शन में 2 कार एक साथ टकरा गया, ठीक है? एक आदमी आया पूछा क्या हुआ, तो सामने वाला डिस्क्राइब किया 2 कार के बीच में टक्कर हो गया। वो बोला कितने जगह पे, वो बोला 2 जगह पे। तो क्या चारों कार टकराया, नहीं। तो कितने के बीच, 2 कार के बीच में टक्कर हुआ। बस समझने के लिए बता दिए, सोचने का तरीका होता है क्योंकि कोलिजन वाला बात है तो आप उसको फुटबॉल से रिलेट कर लीजिए, बॉल से रिलेट कर लीजिए, कार से रिलेट कर लीजिए, बस आदमी मत टकराइएगा, ठीक है? मॉलिक्यूल का नेचर पता चल जाएगा। चलिए देखिए, अब डिस्कशन इस बात पे है कि कैसे कैलकुलेट करें कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर विथ गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है? With given experimental data. देखिए इसमें क्या करेगा कि आपको बता देगा कि कितने टाइम पे क्या चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वो सब, ठीक है? और वो जनरल तौर पे ना टेबुलर फॉर्म में होता है। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन है, दिखाते हैं उसी से कैसा रहेगा। फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट रेट इज गिवन बिलो एज अ फंक्शन ऑफ different initial concentration of A and B,
डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, इतना सारा कुल मिला के बस यही पूछा कि ऑर्डर बता दो। ठीक है, देखिए क्या दिया है, ऐसे टेबुलर फॉर्म में है, कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर में 0.01, 0.02, 0.01, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ बी मोल पर लीटर में 0.01, 0.01, 0.02, ठीक है, और इसके साथ में रेट है मोल पर लीटर पर मिनट में, ठीक है, 0.005, 0.01 और 0.005, ऐसे आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, ये होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा, समझे, ये क्वेश्चन का पार्ट होता है, ये प्रोवाइडेड होगा, इसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना, ऑर्डर निकालना। देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला रेट के लिए आप एक एक्सप्रेशन लिख लें, तो रेट दैट इज इक्वल्स टू के टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स ले लीजिए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। थोड़ा सोच के देखिए, अगर हमको एक्स और वाई कहीं से पता चल गया, मींस हम कैलकुलेट करेंगे और एक्स वाई हमको पता चल गया, उसका वैल्यू हम निकाल लिए, तो नहीं हमको ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, बस वही काम करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेटा पे चलते हैं, फर्स्ट डेटा पे, ठीक है, फर्स्ट डेटा के अकॉर्डिंग रेट, अच्छा रेट भी तो मेरे पास दिया ना, रेट कितना दिया, 0.005 दैट इज इक्वल्स टू के ए, ए मतलब 0.01 टू द पावर एक्स और बी 0.01 टू द पावर वाई। आपके पास एक इक्वेशन मिल गया, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। दूसरा, दूसरा इस डेटा पे तो रेट है 0.01, फिर से पावर एक्स प्लस वाई कैसे कीजिएगा, 0.01 बेस सेम है तो इसका, इसका मान लेते फिर x प्लस वाई निकल जाएगा, यस सर, k का तो कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद इसमें सर, इसमें हाँ, एक मिनट रुकिए उधर, थोड़ा डिस्कस करते हैं, उमंग का बात सुन लेते हैं, हाँ फिर उसके बाद उमंग, ये अगर पाइप मान लेते सर तो उसके बाद तो एक्सपोनेंट से इक्वलाइज करना आ जाएगा, फिर x और y का वैल्यू, तो मानेंगे क्या, पेशेंस नहीं यार, ठीक है, तीन डाटा लिखे हैं, अभी एक ही लाइन लिखे, एक के गोमे से निकल जाता है तो तीन को काहे देता, पहला सवाल, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उदय क्या बोल रहे थे, जब तक सारा डेटा यूज नहीं हो जाए आराम से, है ना, बस देख के थोड़ा सपोर्ट करते चलिए, क्योंकि डेटा दिया है तो वो यूजेबल तो होगा, ठीक है। अच्छा तीसरा नंबर, तीसरा है मेरे पास रेट 0.005 इज इक्वल्स टू, उसके बाद के टाइम 0.01, ठीक है, और उसका पावर x और इसके साथ में 0.02 और इसका पावर y। चलिए ठीक है, तीन रिएक्शन मतलब तीन रिलेशन और मेरे पास दो अननोन, तो आपको एक सजेशन ये दिया जाता है कि आप 1 में 2 से डिवाइड कर ले या 2 में 1 से डिवाइड कर ले। सर पहला चीज आप डिवीजन ही क्यों बोले, अरे भाई हम k हटाना चाहते हैं, पहले k, k हटेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 k हट गया एक रिलेशन मिला, 2 डिवाइडेड बाय 1 k हट गया एक रिलेशन मिला, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको आप थोड़ा नोट कर लिए हैं तो हमको बता दीजिए, हटाएंगे ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। तो फर्स्ट में डिवाइड करना चाहते हैं किससे, सेकंड से, तो डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट में रेट रेट का होगा तो 0.005 और डिवीजन में 0.01, ठीक है। उसके बाद उधर के कैंसिल हो गया, 0.01x
ऊपर वाला पार्ट लिख रहे हैं 0.01y और डिवीजन में मेरे पास 0.02x और इसके साथ 0.01y। एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके आपके लिए ताकि आप इसी से समझ जाए हर चीज। चलिए ठीक, पॉइंट कैंसिल हो गया सर। पॉइंट किस में? इधर वाई वाला कर ये वाला। उसी से फिर लिख रही है सर। इसमें क्या हुआ? वो कैंसिल हो गया। हाँ 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 बिल्कुल 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 आ रहे, एकदम पहुंचेंगे, एकदम सही आप बोले। ठीक है, ये जीरो ले लेंगे। ये 5/10 मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए 1/2 का पावर x होगा और ये दोनों कैंसिल हो गया। एकदम सही कहना था आपका। देखिए कितना सिंपल सा आ गया, कॉम्प्लिकेटेड था कितना सिंपल सा आ गया। बोलिए x क्या लिखे? हो गया। अच्छा अब इसके बाद जब इक्वेशन 2 में डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, 2 में 3 से सीखना है एकदम अच्छे से, एकदम एक्सप्लेन करके, ताकि अगला क्वेश्चन हम लिखें तो आप हमको सही आंसर दे सके। ठीक है, 2 में 3 से डिवाइड किए, एकदम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन टाइम लेगा, लेने दीजिए। 005 दैट इज इक्वल्स टू उधर साइड में k कैंसिल, 0.02 का पावर x इसके साथ 0.01 का पावर y, डिवीजन में 0.01 पावर x और 0.02 पावर y, ये हो गया। चलिए यहाँ पे 3 डेसिमल तक करके कैंसिल करें तो 10/5 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.02 2 का पावर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 का पावर y हो जाएगा। सही, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है कैसे है, 2 that is equals to 2 का पावर x into 2 का पावर माइनस y लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये सॉल्व किए तो 2 is equals to 2 का पावर x माइनस y आ गया। आपको समझ में आ रहा है x माइनस y किसके बराबर? 1, x माइनस y 1, हमको पहले ही x 1 मिल चुका है, पुट करेंगे तो with x is equals to 1 y का वैल्यू हमको कितना मिलेगा? 0। ठीक है, y कितना? 0। लीजिए x और y आपके सामने है, जब x और y मिल गया तो अब यहां से ऑर्डर बता सकते हैं क्या होगा, x प्लस वाई यानी 1+0, फाइनली कितना मिला हमको? कहीं कोई दिक्कत समझने में? देखिए डेटा अगर 3 दिया है तो आपको 3 इक्वेशन तो बनाना ही होगा, और आपको बता दें अगर 4-5 डेटा भी दिया ना तो 3 ही इक्वेशन का जरूरत होता है। अगर मेरे पास 2 अननोन है तो ऐसे केस में जबकि सब मल्टीप्लिकेशन में है आपको 3 इक्वेशन चाहिए। अगर आपसे यहां पे x y z के बारे में पूछता आपको 4 इक्वेशन चाहिए होता, अगर x y z t के बारे में पूछता आपको 5 इक्वेशन चाहिए। क्या बोलना चाहते हैं सर? बोलना चाहते हैं ना कि जितना वेरिएबल होगा उससे एक यूनिट ज्यादा हमको डेटा चाहिए, तब कहीं जाके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट उससे एक यूनिट ज्यादा केवल मेरे पास डेटा होना चाहिए, तब कहीं जाके हम उसका पावर निकाल सकते हैं और उसके बाद हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। याद है आपको पिछले क्लास वाला एक जो एक सिंपल सा लाइन बोले थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कांट बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली बट इट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो उस टाइम में जब हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे थे x और y, तो हम आपको बोले ना ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता है। हम आपको फिर से रिपीट किए थे ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकलेगा, तो आपको एक्सपेरिमेंट का डाटा प्रोवाइड किया गया, उसको आप यूज किए, उसके बाद जाके आप यहां x और y निकाले, जिसके बेसिस पे आप एक और लाइन कह सकते हैं यहां पे According to rate law, rate expression R proportional to या K use कर सकते हैं, concentration of A का power 1, X के जगह 1 और concentration of B का power 0। तो ये पूछे कुछ भी है आप आंसर दे सकते हैं। कोई बताएगा molecularity? 1। ठीक है, molecularity 1 मतलब एक तो कैसे कोलाइड करेगा, पूछ रहे हैं बस। नोट कीजिए और सोचते जवाब दे दीजिए, बोल देना है केवल। ठीक ना, एक तो कैसे कोलाइड करेगा,
नोट करते रहिएगा, ठीक है? हाँ, आप ठीक बोले, आप लोग आपस में ही है ना डिस्कस करना स्टार्ट किए। सुनिए, देखिए, समझा तो देंगे जरूर ना, क्योंकि वो तो जानकारी चाहिए। ये कैटलिस्ट है, ठीक है, ये कैटलिस्ट है। सुनिएगा, कैटलिस्ट से एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा नॉलेज है। हाँ, ध्यान से, इस कैटलिस्ट पे अगर कोई रिएक्टेंट आए, ये दो चौक है ना अलग अलग, ये रिएक्टेंट, ये ऐसे बैठा, तो एक बैठता है और दूसरा आके हिट करता है, सही है? प्रोसेस यही होता है। कैटलिस्ट अगर है कभी हेट्रोजीनियस, तो एक बैठता है, बैठने का मतलब क्या होता है ना, कैटलिस्ट इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में बहुत एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे आप इसके बारे में, बहुत एक्सप्लेन तरीके से, ठीक है। एक को ये कैप्चर किया, और वही पार्टिकल जो दूसरा नहीं कैप्चर हुआ, वो आके ऐसे ऐसे घूम रहा है और इस पे टक्कर मार रहा है, ठीक है। तो ये जो बैठा हुआ है ना, ये क्योंकि सरफेस को ऑक्युपाई कर लिया, तो इसके कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, इस कारण से इसका कोई कंसिडरेशन नहीं, मगर ये क्या कर रहा है, आके टक्कर मार रहा है, तो मूवमेंट करने वाला एक ही पार्टिकल है, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी यहां बन रही है। समझ में आया मॉलिक्यूलैरिटी वन कैसे होता है और उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? आप देखिए, अब हम कैटलिस्ट हटा रहे हैं, मेरे क्वेश्चन में कहां बोला था कैटलिस्ट, उधर मिटा दिए, ठीक है, याद तो होगा ना। हाँ, मेरे क्वेश्चन में कहां बोला कि कैटलिस्ट है, नहीं बोला, ठीक है, नहीं बोला। तो हम क्या समझेंगे कि ये बी है, ये कौन है, बी, देखिए, बी का पावर जीरो, यानी रेट जो है वो बी के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बी का कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट बना हुआ है, चेंज ही नहीं कर रहा, ठीक है, चेंज ही नहीं कर रहा, इस कारण से बी का कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट बना, इसका मीनिंग यही होता है, खाली लिख लेने से नहीं होगा, समझना भी होगा। तो मान लीजिए ये बी है और यहां पे एक ए आके टक्कर मार रहा है, किसके ऊपर, बी पे, बी पे ए आके टक्कर मार रहा है, मगर बी का कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, इस कारण से हम लोग केवल कंसिडर करेंगे कि एक ही पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और जो कोलाइड कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस देखिए, ये बैठा, ये आके हिट किया, दूसरा, दोनों मूव किया आके हिट किया, इसमें मॉलिक्यूलैरिटी टू, और ये बैठा ये हिट कर रहा मॉलिक्यूलैरिटी वन। समझ में आया क्या मीनिंग होता है? चलिए ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है, आपके लिए क्वेश्चन है, डेटा ऐसे ही देंगे, बस एक ही क्वेश्चन बना के दिखाइए, काम खत्म, ठीक है, डेटा दे रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा। ए प्लस टू बी गिव्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेटा कुछ ऐसा है कि इस बार कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी रेट, कंसेंट्रेशन ऑफ ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी, और इसके साथ में रेट, रेट, ठीक है, सबका अपना यूनिट है 0.1 0.1, और ये 4 × 10⁻⁴, फिर 0.2 0.2, ये 1.6 × 10⁻³, फिर 0.5 0.1, ये 1 × 10⁻², 0.5 0.5, ये 1 × 10⁻²। बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, एक क्वेश्चन सही कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करना है, उस चीज को, यहां से रेट प्रोपोर्शनल टू ए एक्स, ठीक है, रेट प्रोपोर्शनल टू बी वाई, और उसके साथ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसके साथ अगर पॉसिबल हो तो मॉलिक्यूलैरिटी बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं मांगा है, हम मांग रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी। चलिए सॉल्व कीजिए, ठीक है, पहला वाला क्या बोल रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ए, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ए, या रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, केवल बी के बेसिस पे, केवल ए के बेसिस पे, और ओवरऑल रेट लॉ जो होगा उसमें ए और बी दोनों आएगा, तब कहीं जाके आप ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वो आप लिखेंगे R इज इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ए का पावर एक्स, और सोच के बोलिए बी का पावर वाई की टू वाई, ऊपर देख लीजिए, उसके बाद बोलिए वाई की टू वाई, हाँ हाँ एकदम ठीक, इस बार आप सही रहे हैं,
बस इस नाम के साथ चलना है, यहाँ कुछ भी लिखे हमको मतलब नहीं, पहले का पावर x दूसरे का पावर y ही मानेंगे और उसके बाद सॉल्व करके निकालेंगे जैसे यहाँ बताया गया था। सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए हमको जो आ जाए। चलिए ठीक है, एक मिला वाई जीरो और सही आंसर है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आप कैलकुलेशन किए बहुत बढ़िया, ठीक है आप निकाल लिए बहुत अच्छा। अगर किसी का नहीं आया आराम से घर पे बैठ के बनाइएगा, बिल्कुल दो क्वेश्चन कम से कम ऐसा बनाइए, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, ये जो भी बुक खोलिए बुकलेट खोलिए कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक्स टू कंफर्म हो गया। चलिए अगर नहीं आया अभी तो अभी के लिए शॉर्टकट में समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए जब 0.1 था, लेट बी ए स्मॉल ए, ठीक है, तो उस टाइम में ये 4 है, 4 है, अगर हम यहां आए ना ये 16 है, क्या ध्यान से समझे आप, ये 16 है, इसको बराबर कर दीजिए, 4 से 16 हो गया, मतलब क्या हुआ, पावर 2, पावर 2, जब ये दुगना हुआ ये 4 गुना हो गया, ये दुगना हुआ ये 4 गुना हो गया। फिर से सुनेंगे, जब a 2a बना तो रेट जो है ना ये 4r हो गया, समझे फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये 4 गुना, काम खत्म। इसका मतलब a का पावर 2 होगा, a का जो भी पावर है वो 2 होगा। अच्छा b के बारे में, b के बारे में, a के कारण ये 4 गुना, b में चेंज किए हैं कोई फर्क नहीं, b में चेंज कर रहे हैं कोई फर्क नहीं, ठीक है, क्यों कैसे वो b बताने वाला ये है। फिर से एक बार देखिएगा, अगर हमको ये पता चल गया कि इसका दुगना करने पे r क्या हो रहा है, 4 गुना, 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 0.5 का 4 टाइम्स, ठीक, हम निकाले कुछ आया मेरे पास। अब थोड़ा देखिएगा समझिएगा, इसको भी 4 कर दिए तो ये कितना होगा, कोई बोलेगा 100, इसको भी -4 कर दिए ये कितना होगा 100, ठीक है। देखिए ये जब तक सेम चला ये भी सेम चला, इसमें चेंज किए रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बी में चेंज किए मगर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बी में चेंज किए रेट पे कोई फर्क नहीं, मतलब बी का पावर 0, मगर ए में चेंज किए तो रेट में चेंज हुआ, ए में चेंज किए तो रेट में चेंज हुआ, बस वही निकालना था मुझे। आप अगर चाहें प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना तो आप ये काम भी कर सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन ऐसा था तो हम आपको उस टाइप से थ्योरेटिकल बता दिए, मगर जनरल प्रोसेस यही कहता है कि एग्जैक्टली कैलकुलेट कीजिए जैसे यहां बताया गया था। आप में से कुछ कैलकुलेट कर लिए, कुछ कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था, कोई बात नहीं, आप उसको घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और भी मिलेगा, और जो थ्योरेटिकल तरीका होता है वो आपके सामने हम रख लिए। चलिए एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल बोलने का कोशिश कीजिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अरे कोई आंसर तो देना चाह रहा होगा यार, ऑर्डर कितना, मॉलिक्युलैरिटी 2, अच्छा ठीक है, हम वही तो बोले, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है हम वही तो पूछ रहे हैं, और यहाँ पे 2 और 0, ठीक है, बोलिए तो काम किसके साथ भिड़ रहा है, इसमें भिड़ना समझते, भिड़ना, भिड़ना मैंने को लीजिए, कौन किसके साथ, कौन किसके साथ, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन उठा रहे हैं ऐसा ही कुछ,
थोड़ा सोच के मतलब ट्राई करना है ना कि डायरेक्ट निकाल लें हम लोग, ठीक ना, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते भी हैं। ए क्वेश्चन ये, ए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक ना, ज्यादा लंबा नहीं करना, सोच के केवल जवाब देना। 0.1, 0.1, 0.2, 0.3 और रेट है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², 8 × 10⁻², और 18 × 10⁻²। अब सिंपल हमको क्या चाहिए ना, रेट एक्सप्रेशन में जो a का पावर x मांगे और b का पावर y मांगे, बस सोच के जवाब दीजिए जो दे सकते एकदम। x 3 और y 0, एक आंसर मिला, और किसी का x 0 और y अच्छा ठीक है उमंग, दो तीन तो आंसर आपका मिलेगा अभी, हमको पता है सर y2 होगा। और कोई आंसर दीजिए ना, कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, अरे सही गलत होता रहता है, ठीक है, ट्राई कीजिए, देखिए जो समझाया वो समझिए, निकालने का कोशिश कीजिए। टू होगा, कैसे पता चला B वाला का जब चेंज हो रहा है 2 टाइम्स का सेपरेशन, तो रेट जो है 4 टाइम्स हो रहा है, 8/4। अच्छा, बस स्क्वायर वाला जो आप बता रहे वही लगा दिए, लगा दिए अच्छा, तो ये जब हुआ तब तो 8 हो गया ना। हां तब वही तो पूछ रहा है, पहले तो r को तुम केवल थोड़े मान रहे हो, तू मान रहा है। देखिए देखिए, सबसे पहले ये बताएगा a में चेंज किए ना, a में चेंज किए, क्या रेट चेंज हुआ? नहीं, तो a का पावर 0, x 0, ठीक है। अब सवाल रह गया y का, तो b में यहाँ चेंज नहीं किया, यहाँ चेंज नहीं हुआ, चलिए ठीक है। यहाँ पे अब a को कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि x 0 हो गया, कोई चेंज नहीं, जो इफेक्ट है यानी कि जो हमको यहाँ स्टडी करना है, रीड करना है, वो केवल किसके कारण, b के कारण। तो b को जब 1 से 2 बनाए, ध्यान से, b को जब 1 से 2 बनाए तो रेट 2 से 8 हो गया, ठीक है, 2 से 8 कितना पावर, कितना फोल्ड, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 होता है, हम बोले पावर 2 स्क्वायर, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 3 8 होगा ना, तो यहां पे पावर कितना बैठा, 3, जबकि यहां पे ये 2 टाइम्स हुआ, तो 2 गुना करने पे ये क्या हुआ, 2 से 8 हो गया, मतलब क्या, इतना 2 का पावर 3, तो आप ये कह सकते हैं कि जो y है वो 3 है, सही है, नहीं और कुछ उमंग, 2 मानना है, 2 आ रहा है सर, 2 आ रहा है। अच्छा, आप कैलकुलेट करके निकाल लिए, हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, 2 से 8 हो गया, 2 से 8 हो गया, ठीक है, 2 से 8 हो गया, तो देखिएगा 2 का पावर 1 से 2 का पावर 3 हो गया, तो क्या 3 यूनिट का चेंज हुआ, 2 यूनिट का नहीं, आपसे हम पूछे थ्योरेटिकल समझाइए, तो आप बोले सर कैलकुलेट करके निकाले उतना है, अरे भाई ठीक है, कैलकुलेशन आपको आ गया, मगर थोड़ा कहीं कहीं शॉर्टकट मारने का भी सीखना है ना, समझे क्या सब कोई, 1 से 3 हुआ तो चेंज कितने का, 2 यूनिट का, ठीक है, नंबर ऐसे ही घुमाता है आपको, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया, y2। अरे ठीक है, तो क्या हुआ, आप रुक तो गए थे ना, हम आपको बोल दिए कि देखिए ऐसे होगा, हाँ हाँ सर होगा, बोले भी थे आप, ठीक है, चलिए ठीक है, सब कोई समझे, ऐसे आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा है ना आगे पीछे कीजिएगा, डेटा देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा हल्का फुल्का, तो आ सकता है, मगर हर एक क्वेश्चन के साथ नहीं होता है, इसलिए दोनों चीज आना चाहिए,
बाय द वे किसी क्वेश्चन के साथ हो रहा है तो हम उसको है ना क्या करेंगे थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेंगे, टाइम मेरा बच जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको पूरा मैथमेटिकली सॉल्व कीजिएगा लेंथी तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक सीख गए होंगे, थोड़ा नोट कर लीजिएगा इसको जिसका भी बचा हुआ है। और किसी को कुछ पूछना है कि सर वो नहीं समझ में आया ऐसा कुछ भी,